साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के अनुसंधानकर्ता की टीम ने नरसिंहपुर में नर्मदा की तलछटी में 3000 साल से 3 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म और पाषाण अवशेष की खोज की है, जो काफी अहम मानी जा रही है। मोहाली से आए शोधकर्ताओं द्वारा यहां आदि मानव की जीवन शैली और उनके पाषाण युग के शोध पिछले 6 माह से किया जा रहा है। शोधकर्ता वैज्ञानिकों ने बताया, नर्मदा घाटी सभ्यता लगभग 1 लाख वर्ष पुरानी है, जहां अनेकों ऐसी पाषाण काल में थी जो अब विलुप्त हो चुकी है। वह नर्मदा किनारे रहती थी और आदि मानव के औजार मिलना और उनके अवशेष मिलना इस बात का प्रमाण है। साथ ही लगभग 3000 साल पहले जो जलीय जीव और वन्य प्राणी विलुप्त हो चुके उनके भी जीवाश्म मिले हैं। IISR की अन्वेषण टीम सिंधु घाटी और हड़प्पा की तरह नर्मदा घाटी की सभ्यता की खोज करने यहां आई हुई है। सर कहां से आए हैं और किस चीज की खोज कर रहे हैं? हम है ISR मोहाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। हम यहाँ पे खोज कर रहे हैं आदि मानव के ऊपर, और जो काफ़ी सारे जो फॉसिल्स मिले हमको, जो पुरानी जीव जंतु है नर्मदा जी के किनारे जो रहते थे पिछले 30,000 साल से लेके आसपास 3 लाख साल के बीच में, ये फॉसिल्स हो सकते हैं। और इसमें हमको ये खोज में आया कि इसमें काफ़ी सारे नए साइट्स हैं इस बार, क्योंकि रिसर्च यहाँ पे पहले भी हो चुकी है। और इसमें हमको ये पता चला कि कुछ नए स्पीसीज़ की एनिमल्स यहाँ पे मिलने का, जैसे है यहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट मिले हमको, हाथी, उसके बाद काफ़ी सारे हिप्पो मिले हैं, गाय, भैंस और कुछ क्रोकोडाइल्स के हैं। तो इससे ये सूचित होता है कि एक ज़माने में ये जो नर्मदा जी के जो किनारे खूब सारे एनिमल्स हुआ करते थे, और ये आसपास 30,000 साल से पहले थे। शोधार्थी आए हुए हैं, उन्होंने कुछ नायाब चीज़ें खोजी हैं, खासकर जीवाश्म की बात की जाए तो 300 साल से ज़्यादा पुराने मिले हैं। हाँ, ये एक रिसर्च टीम मोहाली से यहाँ पे आई थी ASI के, उस पर उस टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पे जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, फॉसिल्स हैं, कुछ औजार हैं पुराने पत्थर के बने हुए, कुछ मिट्टी के उन्होंने नमूने लिए हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कलेक्ट की हैं, जो ये बताती हैं कि ये मानव के द्वारा निर्मित हैं और करीब 30,000 साल से लेकर 3 लाख साल तक की पुरानी है, ये यहाँ पे उन्होंने जमा की है।